Hello friends, welcome once again in Sundar's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine, quite fit. I hope so. मित्रों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे. तो friends लीजिए एक बार फिर आप सबका स्वागत है सुंदर्स क्लासेस में. और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं अपने इस वीडियो में वो हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, पार्ट ऑफ स्पीच. वन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव्स. आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में हमारे इस लेसन में पढ़ेंगे. फ्रेंड्स ये पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर मुनी में से एक है ये. और एडजेक्टिव जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव एंड हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ एन एडजेक्टिव्स. तो फ्रेंड्स ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो कि अक्सर जो है कॉमन एरर फाइंडिंग में या हर प्रकार के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अवश्य पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो इंग्लिश का जो ये लेसन है इसको अंत तक देखना मत भूलिए. और ये भी इंश्योर कर लीजिए कि इसका सेकेंड पार्ट भी आप अवश्य देखें, क्योंकि टॉपिक जो है वो बड़ा है, इसलिए एक टॉपिक में पॉसिबल नहीं है इसको कंप्लीट करना, फिनिश करना. दैट्स व्हाई देयर इज अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 2, एडजेक्टिव पार्ट 2. सो इंश्योर दैट यू हैव टू वॉच द सेकेंड एंड द अनदर वीडियो बिसाइड दिस. सो फ्रेंड्स लीजिए हम अपना टॉपिक आज का ये शुरू करते हैं और देखते हैं कि एडजेक्टिव्स के अंदर आज क्या क्या इसकी खास बातें हैं. व्हाट आर द मेन स्पेसिफिक फीचर्स अबाउट एडजेक्टिव्स. तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें एडजेक्टिव की डेफिनेशन की, ग्रामेटिकली एडजेक्टिव के जो ग्रामेटिकली इसकी जो डेफिनेशन है उसकी बात करें, तो एडजेक्टिव अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन. भी कोई भी एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में कुछ हमें बताता हो, एडिशनल जानकारी हमें देता है उसके बारे में, तो दैट वर्ड इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. तो जस्ट लाइक अगर हम इसके एग्जाम्पल अगर हम देख लें, जैसे मान लीजिए कह दें एन ऑनेस्ट मैन, यहां पर भी हमारे पास जो है ये ऑनेस्ट. अ वाइट काउ, वाइट ऑनेस्ट. तो ये हमारे पास जिस लाइक नाउन है, तो जो ये नाउन है हमारे पास, तो ये नाउन और जो प्रोनाउंस अभी हो सकते हैं, तो ऐसे नाउन्स और प्रोनाउंस की जो विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. ये एक इसकी थी डेफिनेशन. अब हम बात थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स की, कि एडजेक्टिव के कितने प्रकार, यानी कितने प्रकार के, हाउ मेनी काइंड्स, कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में. तो उसका हम वन बाय वन जो है एक्सप्रेशन करेंगे, एक एक उसके काइंड के बारे में. हम सबसे पहले जो हम लेते हैं वो हमारा पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है हमारे पास कि कोई भी ऐसा विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, गुण दोष या विशेषता के बारे में बताता हो, तो वो कहलाता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. कह सकते हैं आप किसी भी गुण दोष या कोई भी विशेषता हो सकती है उसकी, तो उसके बारे में जो चीज हमें जो बताए वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में अगर हम लें, इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, जस्ट लाइक He has a black dog. जैसे हमारे पास ये हो गया विशेषता, डॉग की विशेषता है हमारे पास. तो इस प्रकार से हमने कोई भी जो है और भी ले सकते हैं, जैसे he is a brave man. तो यहां पर brave है, तो ये भी क्या है, किसी भी वस्तु या किसी भी जो चीज है या कोई व्यक्ति है उसके गुण या दोष या उसकी विशेषता के बारे में जो बताता है, तो वो हमारा कहलाता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब यह है गुण दोष से संबंधित. अब बात अगर हम करते हैं इसके सेकंड काइंड की, तो सेकंड हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव. फर्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे कि नाम से स्पष्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, वो एडजेक्टिव दीज दोज आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन. यानी कि ये हम सिंपली कह सकते हैं इसमें मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन. जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, जो भी प्रॉपर नाउन है. जस्ट लाइक हम कह सकते हैं जैसे ब्रिटिश रूल,
या मान लीजिए और ले लीजिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जैसे हमारे पास ये बुद्धिस्ट या मोनेस्ट्री हमारे पास नाउन है, रूल हमारे पास नाउन है। तो यहां पर ये देखिए बुद्धिस्ट और ब्रिटिश दोनों ही, वैसे बुद्ध और ब्रिटिश ब्रिटेन दोनों ही प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं वो हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका सेकेंड काइंड आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव का। अगर हम बात करते हैं तीसरे इसकी तीसरी काइंड की एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सॉरी क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है इसमें मात्रा, किसी भी वस्तु की मात्रा के बारे में अगर हमें जो बताता हो, वस्तु की मात्रा का ज्ञान जो हमें कराता हो कि कोई भी चीज है या कोई वस्तु वो कितनी है कैसी है, तो इस प्रकार से जो हमें मात्रा का नॉलेज कराता हो ज्ञान कराता हो तो वो हमें कहलाता है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल लें क्वांटिटी के लिए, जैसे हम कह सकते हैं सम मिल्क, मिल्क नाउन है, सम मिल्क मात्रा है। इसी प्रकार से जस्ट लाइक फ्यू बॉयज सेम सम लेस वेरी मच लेस, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हमारे क्या होते हैं जो किसी चीज की मात्रा को दर्शाते हैं, ए नंबर ऑफ सम। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव हमारे जो किसी वस्तु की मात्रा का ज्ञान कराते हो कि कोई चीज कितनी है, जैसे हम कह दें ये भी हो सकता है सम शुगर लिटिल मिल्क, तो ये सम लिटिल फ्यू ये सारे के सारे जो है मात्राएं बताते हैं कि थोड़ा ज्यादा लेस मच मोर, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव हमारे आते हैं हमारे किसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स थर्ड काइंड ऑफ एडजेक्टिव के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट केस की तो हमारा जो चौथा जो पार्ट आता है इसका होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब बात हमारे पास यहां होती है कि बात है नंबर, यानी कि जहां संख्या का ज्ञान हो, संख्या का ज्ञान जो एडजेक्टिव जो संख्या के बारे में पट्टे, देखिए इससे पहले जो क्वांटिटी था हमारे पास हमने देखिए थोड़ा डिफरेंस है याद रखें इसमें, उसमें था क्वांटिटी जैसे मच मोर लेस सफिशियंट इनफ, ये तो थी क्वांटिटी मात्रा की बात है, यहां बात हो रही है नंबर एग्जैक्ट नंबर की बात हो रही है कि कोई भी चीज जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ आमतौर पर इसका यूज किया जाता है। तो इसके अंदर बात हमारी आती है कि तो अगर हम बात करें नंबर की तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है हमारे पास डेफिनेट नंबर और एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट, यानी इसको भी अगर हम देखें आगे चल के तो दो भागों में, यानी जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनेट नंबर और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट नंबर। अब बात करें अगर हम डेफिनेट नंबर की तो डेफिनेट नंबर के अंदर से क्या हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं यहां पर फाइव बॉयज डेफिनेट नंबर है, टू मंथ्स टू फाइव ये एक डेफिनेट नंबर है। अब जब बात करें इनडेफिनेट की, संख्या तो बताता है वो बट निश्चित नहीं होती, वो इनडेफिनेट होती है, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं यहां फ्यू गर्ल्स सम का लगा सकते हैं फ्यू सम, तो ये हमारे पास क्या है संख्या बता रहा है कितनी, नॉट क्या है इसमें क्या नहीं बता रहा है इसमें कि कम या ज्यादा की बात नहीं, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं है बट एक इनडेफिनेट है अनिश्चित संख्या है। जैसे हम और भी कह सकते हैं इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं हम सम पर्सन सम फ्यू लिटिल, तो सॉरी ये सम और फ्यू लिटिल जो है वो क्वांटिटी के लिए आता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास नंबर है ये क्या है, ये इनडेफिनेट नंबर है, मात्रा दर्शाते हैं संख्या दिखाते हैं कुछ है बट निश्चित नहीं है, बट यहां हमारे पास जो नंबर है ये क्या है निश्चित नंबर को दर्शाते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं डेफिनेट नंबर। तो नंबर ऑफ एडजेक्टिव जो है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है हमारे पास दो प्रकार के बता दिया मैंने आपको, कि अगर हम एक और भी है इसमें फिर कि डेफिनेट नंबर को फिर आगे जाके हम अगर हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं डेफिनेट नंबर को भी आगे जाके, जैसे एक होता है हमारा कार्डिनल्स नंबर, एक होता है कार्डिनल एक होता है ऑर्डिनल, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए
कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे कार्डिनल नंबर, जो निश्चित एक संख्या है ये हमारे पास, इसका मतलब कि डेफिनेट नंबर है हमारे पास। जो जैसे हमारे हमने एग्जांपल लिया आपको 5 boys ये के, तो 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास कार्डिनल नंबर है। अब बात होती है हमारी ऑर्डिनल नंबर की। ऑर्डिनल नंबर होता है जो हमें ऑर्डर बताते हैं किसी चीज का, जस्ट लाइक इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डर बताता है। देखिए दो, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल। कार्डिनल जो है हमारे डेफिनेट नंबर बताता है, संख्या, पूर्ण संख्या बताता है, बट ऑर्डिनल संख्या का नंबर बताता है, पोजीशन बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हंड्रेड, थाउजेंड्स, व्हाटएवर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ये भी ध्यान रखना है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल जो है ये दोनों ही प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। और इसमें एक चीज याद करनी है, आपने ध्यान रखना है कि केवल ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं ना हमारे, ऑर्डिनल्स नंबर, तो ऑर्डिनल्स नंबर के साथ ये नोट करने वाली चीज होती है, नोट के अंदर आप लिख सकते हैं ये कि आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द का प्रयोग हम केवल ऑर्डिनल्स नंबर के साथ करते हैं, कार्डिनल नंबर के साथ नहीं करते। जैसे ये भी आपने विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, He was the first boy to go. तो the first से पहले हमने आर्टिकल the का यूज कर दिया, तो ये क्या है हमारे पास, ऑर्डिनल्स नंबर है। तो ऑर्डिनल ये ध्यान रखना है, ऑर्डिनल्स नंबर के साथ हमेशा आर्टिकल the का यूज किया जाता है, कार्डिनल्स के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये था हमारा फ्रेंड्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, कि पहले इसको हम डेफिनेट और इनडेफिनेट में, उसके बाद फिर उसको हम कार्डिनल्स और ऑर्डिनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव का काइंड है नंबर 5, दैट इज डेमोंस्ट्रेटिव, इट इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव फ्रेंड्स ऐसे एडजेक्टिव जो अपने पास प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के बारे में इशारा करते हो, उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हो, तो इस प्रकार के एडजेक्टिव को हम बोलते हैं एडजेक्टिव या डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, जस्ट लाइक दिस, दैट, दिस और दोज, तो ये हमारे पास है कुछ है जो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये चीजें हमारे पास क्या होती है, कि जिसका यूज किया जाता है। अब इसमें एक चीज खास बात है, अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, याद थोड़ा सा भी ध्यान रखना, जिन्होंने भी अगर पहले प्रोनाउन की वीडियो अगर देखी होगी तो आप इसमें देख पाएंगे कि प्रोनाउन के अंदर हमने देखा था कि दिस, दैट, दीज और दोज, ये प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और यहाँ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। तो इसका अंतर आपने कैसे, यानी कैसे पता लगाओगे कि ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुए हैं या फिर ये प्रोनाउन के रूप में, इनका एक सिंपल सा रूल है, क्या है कि दीज वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन, और एक होता है दीज वर्ड्स यूज्ड बिफोर अदर वर्ड्स, अब इसमें एक चीज है ध्यान रखना है, सिंपल साइज का रूल है कि अगर इन वर्ड के तुरंत बाद अगर नाउन आती है तो समझ लेना कि ये एडजेक्टिव है, और नाउन के अलावा कोई दूसरे वर्ड यूज किए जाते हैं तो समझ लेना कि ये प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे हम कह सकते हैं This book is mine, या those cars are not new. अब यहां फ्रेंड देखिए, यहां आपको अंतर समझ में आ जाएगा अगर हम इस चीज को देखें, यहां हमारे पास नाउन है बुक, यहां पर हमारे पास नाउन कार नाउन्स है, तो ये दिस और दी जो भी हमारे पास है ये चारों वर्ड, अगर ये वर्ड्स के तुरंत बाद देखिए जैसे नाउन अगर दोनों नाउन आ गए
तो समझ लेना कि यहां दिस और दैट क्या है, ये एडजेक्टिव है. क्या है ये? एडजेक्टिव है. और अगर इनके बाद, जैसे अगर एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, जैसे हम कह दें दिस इज माई बुक. अब यहां देखिए दिस के बाद नाउन नहीं बल्कि कोई और वर्ड आ गया, मीन्स वर्ब आ गई. तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जो दिस जो है वो क्या है, यहां पर जो दिस है वो प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. तो फ्रेंड्स इस चीज को आपने याद रखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, ये अंतर आपने इस प्रकार से ध्यान रखना है. यानी कि इसके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए तो समझ लेना कि ये एडजेक्टिव है, और अगर नाउन ना आकर वर्ब आ जाए तो समझ लेना कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे काइंड है नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखिए नाम से स्पष्ट है, डिस्ट्रीब्यूट यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में, प्रत्येक चीज के बारे में बताते हो, प्रत्येक चीज के बारे में बताते, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बताते हो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. जस्ट लाइक ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये कुछ एक हमारे ऐसे जो कि एडजेक्टिव हैं हमारे, कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी चीज हमने जो पिछले पॉइंट किया था उसमें भी ये भी इसके अंदर भी एक चीज आपने ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है, क्योंकि ये ईच, एवरी, नाइदर, नॉर या आइदर जो है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं. तो दोनों के बीच में आप अंतर कैसे, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड ए प्रोनाउन, तो सेम इसका भी मेथड है. तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, जैसे ईच बॉय हैज कम हेयर, यहां पर क्या लिखते हैं हम, ईच ऑफ बॉयज हैज कम हेयर. अब फ्रेंड्स इसमें देखिए, अगर आप इसको अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि दोनों चीजों में एक चीज क्या इसमें कि यहां पर भी क्या है, ईच के तुरंत बाद यहां पर हमारे पास है बॉय जो कि एक नाउन है, यहां ईच के बाद हमारे पास क्या आ गया, प्रेपोजिशन यानी अदर वर्ड्स आ गया. तो इसका सिंपल सा वही रूल है, अगर ईच, एवरी, नाइदर, नोर या सॉरी आइदर के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आती है तो समझ लेना कि ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और नाउन के अलावा कोई दूसरे वर्ड आते हैं तो समझ लेना कि ये प्रोनाउन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की जगह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम ये कर रहे हैं. तो ये इसमें ध्यान रखना है आपने कि ये बेसिक्स, क्योंकि जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन है लगभग लगभग सेमी वर्ड्स मोस्टली जो है वो सेम है, बट इनके यूजेस जो है, यूजेस के आधार पर आप बता सकते हैं कि ये जो दिया गया जो वर्ड्स है ये प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है. तो ये इसका एक बेसिक रूल्स है आपको फाइंड आउट करने का, आपने कैसे पता लगाना है इसका. फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि हमने पहले किया था उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हमारे कौन से होते हैं, जस्ट लाइक वही व्हाट, विच, व्हाट, विच, या जैसे भी हमारे पास है हुज है, ये भी इसी का ही है हमारे पास, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की के साथ साथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होते हैं, हु के साथ, उसमें हु अलग होता है, हु, हुम, हुज भी, बट ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में यूज होते हैं. तो दोनों का अंतर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि दोनों में कि ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है या फिर ये प्रोनाउन के रूप में. जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, विच कलर इज ऑफ योर शर्ट. एक तो यहां पर हमने लिखा ये विच कलर इज योर शर्ट, या फिर हम एक वर्ड और लिख रहे हैं यहां पर, जैसे व्हाट डिड यू डू, जैसे हम ये कह सकते हैं, या और भी लिख सकते हैं हम, जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हुज
बुक इज दिस। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने जो अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इनसे पता लगा सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये एडजेक्टिव है या फिर ये प्रोनाउन है। सिंपल सा वही रूल है, अगर इनके तुरंत बाद अगर आपको कोई नजर आता है कोई नाउन, जैसे हमारे पास ये कलर है, कलर नाउन है, अगर इसके तुरंत बाद नाउन है तो ये हमारे पास काम करेगा एडजेक्टिव का। इसी प्रकार से अगर इनके बाद अगर कोई वर्ब है या कोई अदर वर्ड है तो इसका मतलब ये नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, ये प्रोनाउन है। सेम इसी प्रकार जैसे हुज के तुरंत बाद हमारे पास बुक आ गया, बुक का मतलब यहाँ पर क्या क्या है, एक नाउन है, तो इसका मतलब हुज हमारे पास क्या है, ये हुज हमारे पास एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो सिंपली सी एग्जाम्पल आप में इसमें कह सकते हैं कि जो भी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं या इंट्रोगेटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, इसमें ध्यान रखना है कि अगर इन वर्ड्स के तुरंत बाद अगर नाउन आती है तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, और अगर इनके तुरंत बाद नाउन के अलावा कोई और वर्ड्स आते हैं तो समझ लेना कि वो प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे। तो एक सिंपल सा एक अंतर है जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हम लास्ट लेते हैं हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। लास्ट हमारा है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, तो जो हमारे पास एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो है वो कौन से होते हैं, इसके अंदर भी थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजन सा होता है स्टूडेंट्स को, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल बता दूं। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी एडजेक्टिव जिसका संबंध व्यक्ति या वस्तु के साथ हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी चीज के साथ हो तो उसको हम बोलते हैं आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर सिंपल से अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो हमारे पास क्या होता है, माय, योर, आर, हर, हिज, देयर, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर जो है वो डिफरेंस है थोड़ा सा, और यही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, तो एक जो प्रोनाउन होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे माइन, योर्स, आर्स, हर्स, देयर्स, ये जो फ्रेंड्स ये जो चीजें हैं ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं हमारे पास ये, और ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में अंतर है वो अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये एडजेक्टिव है या फिर ये प्रोनाउन। अब बात हमारे पास वही आती है कि पोजेसिव प्रोनाउन की, तो पोजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें, दिस इज माई बुक, माई बुक, या और ले लीजिए हम जैसे योर ब्रदर, देयर टीम, देयर, तो इसके अंदर भी है ना एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस भी है, तो फ्रेंड्स इस चीज का आपने अच्छी तरीके से अंतर आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल क्लियर है कि जब भी प्रोनाउन होते हैं कभी, तो आपको पता होता है कि प्रोनाउन या नाउन में से कोई एक यूज होता है, तो इसमें सिंपल सा है कि अगर प्रोनाउन है तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा, और अगर आप ये यूज कर रहे हैं अगर हमारे पास ये एडजेक्टिव के रूप में यूज है तो आपको पता है कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन यूज होता है, जैसे यहाँ है योर के बाद ब्रदर है, देयर के बाद टीम है, तो यहाँ जो है ये इसकी याद रखने वाली बात है कि आप किस प्रकार से, ये बिल्कुल एक सिंपल तरीका है इसको पता लगाने के लिए, कोई ज्यादा डिटेल में कोई ज्यादा गूढ़ रहस्य नहीं है इसका कि आप पता लगाएं कि एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों मिलते जुलते हैं सारे के सारे लगभग, तो इनमें जो अंतर है मैंने आपको बड़े विस्तार से इसका अंतर बता दिया कि किस प्रकार से आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पार्ट नंबर वन, एडजेक्टिव पार्ट नंबर वन। तो नेक्स्ट वीडियो जो आप देखना मत भूलिए, एडजेक्टिव पार्ट टू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव के यूजेस, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, और भी बहुत कुछ जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके लिए सेकंड पार्ट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें हमने केवल इंट्रोडक्शन दी है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कहां कहां होता है और इनमें अंतर क्या है। जैसे बहुत सारे अंतर है, ईच है, एवरी है, नाइदर में, आइदर में, तो हु में या विच में या व्हाट में क्या अंतर है, तो ये सारे के सारे जो है डिफ्रेंशिएट है और एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रयोग होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, एडजेक्टिव पार्ट टू। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, देखना मत भूलिए सेकेंड पार्ट भी। और इसी के साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है लेसन आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, एक बार फिर उन फ्रेंड्स से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।